समास क्या होता है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षेपीकरण। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अथवा पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, विभक्तियां यहाँ पर अर्थ है जो कारक की विभक्तियां हैं, उनके जो चिन्ह हैं, उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं और एक शब्द का छोटा रूप बनाते हैं, एक नया शब्द निर्माण बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ पर देखिए आप चार शब्दों का समूह एक नए शब्द की ओर इशारा कर रहा है। इन्हीं शब्दों में से के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप करने पर, उसको वहां से हटाने पर एक नया शब्द निर्माण हो जाता है, वो है रसोई घर, जो कि एक सामासिक शब्द है। इसे ही समस्त पद कहा जाता है। यहाँ आप उदाहरण स्वरूप समझ ही गए होंगे। एक अन्य उदाहरण हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर भी पर जो बीच में विभक्ति चिन्ह आया है उसका लोप हो गया है और उसका समस्त पद बनेगा घुड़सवार। आइए आगे बढ़ते हैं। समास की परिभाषा को संक्षेप में जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। सामासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विखंडित का अर्थ है अलग करने की प्रक्रिया। जो समस्त पद हमारे सामने प्रस्तुत है उसके टुकड़े करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप जानते हैं, जैसे विद्यालय। विद्यालय जो कि एक समस्त पद है, इसको अगर हम अलग करेंगे तो बनता है विद्या के लिए आलय। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, माता पिता। यहाँ पर माता पिता योजक चिन्हों के साथ जुड़ा है, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता, इस तरह से हम विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है समस्त पद में, और विग्रह करते हैं तो उन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना है उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। जो कि एक समस्त पद है, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में भी देखा, विद्यालय, विद्यालय था समस्त पद, उसका जो पूर्व पद है वो है विद्या और उसका दूसरा पद है आल्य। ये आप समझ ही गए होंगे। जो पहले प्रयोग किया गया है समस्त पद में, जो एक समस्त शब्द है, सार्थक शब्द है, वो है विद्या, और दूसरा है आल्य, वो भी एक सार्थक शब्द है। दोनों शब्दों को मिलकर एक समस्त पद बना है, इसलिए पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इस प्रकार के समस्त पद के दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इन्हीं को ध्यान में रखकर ही हम समास विग्रह, समास का भेद जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और अंतिम है छठा कर्मधारय समास। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक इनकी संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। समास में जो पहला समास भेद है वो है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के साथ इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है और उसकी पहचान है अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, ये बात आप ध्यान से याद कर लीजिए। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय शब्दों के बारे में आपने पहले भी पाठ में जाना है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें किसी लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अव्ययी भाव समास में भी करते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये एक पहचान के तौर पर आप याद रखिए।
आगे बढ़ते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मैंने पुनः पुनः प्रयोग होना, और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त तो हो, वहां भी अव्यय भाव समास होता है। इसे भी हम उदाहरण स्वरूप जानेंगे कि किस तरह से शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं, ये भी हम उदाहरण स्वरूप जानेंगे। आइए अव्यय भाव समास के उदाहरण जानते हैं और किस तरह से समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है, उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला जो शब्द है यथा अवधि, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द निर्माण हुआ है। यथा का मतलब होता है अनुसार और अवधि का मतलब होता है समय। तो यथा अवधि को मिलाने से यथा अवधि एक नया शब्द निर्माण हो गया है, समस्त पद हो गया है। यहाँ पर एक बात और आप जाने कि यथा अवधि में पहला जो पद है वो है यथा, जो कि एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द आपने जाना ना तो लिंग वचन कारक काल की वजह से अपना रूप बदलते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही शब्द में या वाक्य में प्रयोग होते हैं। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें इसका अर्थ भी सामने आता है। जैसे अवधि के अनुसार जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो उन विभक्ति चिन्हों, किन विभक्ति चिन्हों, जो कारक की जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं। कर्ता और संबोधन के अलावा हम बाकी सभी कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं समास विग्रह करते समय। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जो है आजन्म। आजन्म में भी आप दो पद देख रहे हैं, आ जो कि एक अव्यय है और दूसरा जो शब्द है उत्तर पद है जन्म, आजन्म। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा जन्म पर्यंत अर्थात जन्म भर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बीचो बीच, यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है, जिसका समास विग्रह करने पर एक नया शब्द आता है जो कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है ठीक बीच में। बीचो बीच का समास विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ उभर कर आता है ठीक बीच में। अगला एक उदाहरण लेते हैं साफ साफ, यहाँ पर भी आप देखेंगे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, वो दो बार इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका समास विग्रह करने पर होगा बिल्कुल साफ। यहाँ पर आप एक पहचान देखेंगे, जैसा कि हमने पहले नियमों में जाना था कि अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पर जब हम बीचो बीच का उच्चारण करते हैं बीचो बीच, तो एक पहला जो पद है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, असर दिखा रहा है, वो प्रधानता दिखा रहा है। जैसे साफ साफ, इसमें भी जो पहला पद है वो अपना महत्व दर्शा रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो इसकी पहचान हुई, जिसका पद पहला प्रधान होता है वो अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला शब्द है यथाशीघ्र, यहाँ पर भी यथा पहला पद है और शीघ्र दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे इसका अर्थ सामने आता है जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो। अगला उदाहरण देखते हैं यथा क्रम, दोबारा से यथा अव्यय शब्द है, पहला पद है और कर्म उत्तर पद है, दूसरा पद है और इसमें पहला पद प्रधान है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो अर्थ सामने आता है कर्म के अनुसार। एक बात और आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम समस्त पद में शब्दों का संक्षेपीकरण करते हैं और समास विग्रह करते समय उसको विभक्ति चिन्हों के साथ प्रयोग करते हैं। अगला एक उदाहरण देखते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन मैंने हर दिन, यहाँ पर प्रति जो पहला पद है वो प्रधान है, यानी कि हर दिन वो काम होता है। इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन या दिन दिन या फिर हर दिन, इस तरह से कर सकते हैं। अगला एक उदाहरण देखते हैं प्रत्येक, प्रत्येक भी दो शब्दों के मेल से बना है प्रति एक, जो पहला जो पद है प्रति वो प्रधान है क्योंकि उसका मतलब है हर एक। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हर एक भी कर सकते हैं, एक एक अथवा प्रति एक। कुछ और उदाहरण देखते हैं जो कि है आमरण, आमरण में पहला जो पद है वो एक अव्यय शब्द है, मरण उत्तर पद है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो अर्थ उभर कर आएगा मरने तक अर्थात मरण पर्यंत। अगला उदाहरण देखते हैं आ समुद्र,
इसमें भी दोबारा से पहला जो पद है वो है आ, जो कि अव्यय शब्द है, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है उसमें, ना लिंग वचन कारक काल की वजह से। और दूसरा जो पद है वो है समुद्र, विग्रह करने पर समुद्र पर्यंत एक अर्थ सामने प्रस्तुत होता है। यहां पर आगे है भर पेट, यहां पर जो भर है पूर्व पद है, यानी कि पेट भर गया है वो प्रधानता दिखा रहा है, और उत्तर पद है पेट। तो पहला पद प्रधान होने की वजह से ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत के उदाहरण होते हैं। इसका जो समास विग्रह होगा वो है पेट भरकर। अगला एक उदाहरण देखते हैं अनुकूल। अनुकूल मैंने अनुसार, है ना, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, जिसका समास विग्रह करने पर एक अर्थ सामने आएगा, जैसा कूल है वैसा, अर्थात के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का दूसरा जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है जान लेते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसा कि हमने पहले अव्यय भाव समास में जाना, उसका पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पर समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है, ये इसकी पहचान है, आप विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा। तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जो कि समास विग्रह में दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल रहता है उसका जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें प्रयोग हुए विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वो वहां से गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के छह उपभेद हैं, विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं। ये छह उपभेद कारक विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं, ये बात आप जान लीजिए। वो कौन कौन से हैं? कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्ह कारक विभक्तियां तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। आइए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जो विभक्ति चिन्ह है वो लिंग वचन कारक के अनुसार दूसरे पद के अनुसार होती है। ये भी उदाहरण स्वरूप आप आगे जानेंगे। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की जो विभक्ति चिन्ह है ने हे ओ अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं और उनमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। उन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर इनके उपभेद होते हैं, इन्हें हम आगे जानते हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वो कौन से हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अभी हमने जाना कि जो तत्पुरुष समास है उसके छह उपभेद होते हैं, वो किस कर्मानुसार हैं और इन्हें हम आगे उदाहरण स्वरूप जानेंगे। उदाहरण इस प्रकार हैं: सामासिक पद अर्थात समस्त पद, फिर समास का विग्रह किस तरह से होगा और समास का भेद क्या रहेगा, इस श्रृंखला में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला जो शब्द है कोशाकार। कोशाकार एक समस्त पद है और इसमें कोश करने वाला अर्थात जिस तरह से आप व्याकरण में शब्द कोश भंडार देखते हैं, ये उसकी बात हो रही है, उसका कोश करने वाला। विग्रह करते समय हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कोश को करने वाला, कोश अर्थात शब्द भंडार, कार मैंने करने वाला और को हो गया विभक्ति चिन्ह। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्म तत्पुरुष की समास की पहचान है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कर्म कारक की पहचान होती है को। जब हम कर्म कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसके लिए को का प्रयोग करते हैं। आप बात समझ गए होंगे, इस को विभक्ति चिन्ह की वजह से ही, इसी पहचान के कारण ही हम इसका भेद कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मद माता, यहाँ पर आप एक पहचान और याद रखिए कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर पहला पद जो है वो है मद, दूसरा पद है माता। इसका जब विग्रह करते हैं तो
एक अर्थ प्रस्तुत होता है मद से माता अर्थात नशे से मदहोश। जब हम इसका समास भेद जानेंगे तो वो होगा करण तत्पुरुष। जैसा कि हमने कहा कि समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो करण कारक की पहचान है से, के द्वारा, नशे के द्वारा वो मदहोश है। आगे बढ़ते हैं, मार्ग व, मार्ग पहला पद है और व दूसरा पद, तो मार्ग के लिए व विग्रह करेंगे, एक अर्थ सामने आएगा मार्ग के लिए व, व्यय का अर्थ होता है खर्च, तो इसमें पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास की पहचान है। तो समास का भेद क्या रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की पहचान क्या है, के लिए। संप्रदान कारक में हम के लिए विभक्तियों का प्रयोग करते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है और समास विग्रह में उन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास के। अगला शब्द है ऋण मुक्त। ऋण में जो दूसरा पद है मुक्त अर्थात मुक्ति पाना, ऋण से मुक्ति पाना, वो प्रधानता दिखा रहा है और समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। तो इसकी पहचान है से अर्थात जुदाई, किसी चीज से जुदा होना, मुक्ति पाना, वो है अपादान तत्पुरुष समास की पहचान। ये अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा क्योंकि अपादान कारक की पहचान है से अथवा जुदाई। अगला एक उदाहरण देखते हैं, दीनानाथ, दीनों के नाथ। यहाँ पर जो दूसरा पद है, उत्तर पद है, वो प्रधान है, इसका समास विग्रह करेंगे तो दीनों के नाथ, था दीनों के जो नाथ है उनका आपस में संबंध दिखाया जा रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास की पहचान है क्योंकि संबंध की जो पहचान है, संबंध कारक की जो पहचान है वो होती है का के की, दो चीजों के बीच में संबंध बताया जाता है। अगला शब्द है आप बीती। आप बीती में जो बीती है उत्तर पद, वो प्रधान है, बीती अर्थात गुजरी, आप पर क्या क्या गुजरी, इसका जो समास विग्रह होगा वो है अपने पर बीती। यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह है, कारक की पहचान है, कौन से कारक की, अधिकरण कारक की पहचान है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला समास का भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा कुछ इस तरह से है, जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य अथवा विशेषण या उपमेय और उपमान का संबंध हो तथा दोनों पदों में से एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात ऐसे जो समस्त पद हैं जिसमें हम विशेष्य और विशेषण को पाते हैं, उपमेय या उपमान को पाते हैं, वो जो पद हैं वो कर्मधारय समास की पहचान है, जिनमें दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आती है अर्थात दोनों का आपस में संबंध बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है और उपमेय और उपमान के बारे में बताया जाता है। आइए विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान को आगे विश्लेषण से जानते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य, ये इसकी पहचान है, जो समस्त पद रहता है उसमें विशेषण और विशेष्य रहते हैं। कर्मधारय समास में जो समस्त पद रहता है उसमें विशेषण और विशेष्य रहते हैं, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है, जो विभक्ति चिन्ह के रूप में रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपमेय और उपमान क्या होते हैं और विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, आइए जानते हैं। कर्मधारय समास में जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो समस्त पद है उसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान रहते हैं। उपमेय क्या होते हैं, आइए जानते हैं। व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है वे उपमेय होते हैं। और उपमान क्या होते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है, उसके साथ तुलना की जाती है, वे शब्द उपमान होते हैं। उदाहरण स्वरूप मृगलोचन, एक समस्त पद लेते हैं मृगलोचन, इसका जब समास विग्रह करेंगे मृग के समान लोचन, तो जो मृग है ये है उपमान। जैसा कि हमने अभी बताया, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है, अर्थात जिस वस्तु
की तुलना की जाती है जिससे वो उपमान होते हैं। यहां पर आप इस अर्थ को समझे, मृग लोचन अर्थात मृग के समान लोचन, लोचन मैंने नयन, तो जो नयन है लोचन जो शब्द है वो है उपमेय। उपमेय की परिभाषा यहां पर स्पष्ट की गई है, उपमेय वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना या समानता बताते हैं। यहाँ पर नयनों की समानता या तुलना की गई है, यहाँ पर लोचन अर्थात नयन की तुलना की गई है किससे, मृग से। तो जिससे तुलना की गई है वो होते हैं उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होते हैं उपमेय। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य। इसे भी उदाहरण स्वरूप जानते हैं, मोहन ने काला कोट पहना है। एक उदाहरण लेते हैं, मोहन ने काला कोट पहना है। कोट विशेषण है, मोहन ने कोट पहना है ऐसा भी कह सकते थे, तो कोट क्या है? विशेषण। पर काला जो शब्द है कोट की विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया उसका प्रविशेषण। और मोहन कौन है? मोहन के बारे में बताया गया है कि उसने क्या पहना है, कोट पहना है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष्य, और जो उसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप जाने दोबारा से, मोहन विशेष्य है, काला प्रविशेषण है, और कोट विशेषण है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं किस तरह से इन समस्त पदों का समास विग्रह किया। नील कमल, नील कमल एक समस्त पद है। इसमें दोनों पदों को आप ध्यान से देखें, नीला है जो कमल, जब हम विग्रह कर रहे हैं नीला अर्थात उसकी विशेषता बताई है, रंग बताया है, है जो कमल, जो कमल का फूल है वो कैसा है, नीला है, अर्थात विशेषण नीला हो गया और कमल विशेष्य हो गया। तो जिन शब्दों में विशेषण अथवा विशेष्य या फिर उपमेय अथवा उपमान पाए जाते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। तो विग्रह करने पर हमारे सामने आया नीला है जो कमल। एक और आप पहचान देखेंगे, कर्मधारय समास का विग्रह करते समय हम है जो या फिर रूपी शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। अगला है पीताम्बर, पीताम्बर भी एक विशेषण और विशेष्य है। इसको विग्रह करते समय इसके अर्थ को जानते हैं, पीला है जो अंबर, पीला अर्थात रंग की विशेषता बता दी, अंबर अर्थात वस्त्र, जो पीले रंग का जो वस्त्र है वो है पीताम्बर। उसका समस्त पद क्या हुआ? पीताम्बर। एक और चीज आप यहाँ पर देखिए, जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भला मानस, इसका समास विग्रह करेंगे तो भला है जो मानस, मानस अर्थात मनुष्य, बहुत ही भला मनुष्य है। इसमें भी विशेषण और विशेषता बताई गई है। इस समस्त पद में भी विशेषण है भला और मानस है विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ऐसे शब्दों में रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं, गुरु रूपी देव, जो गुरु है वो देव के समान है। उपमेय और उपमान का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमने पहले ही पहचान में बताया, उपमेय अथवा उपमान जहाँ पर रहते हैं वहां पर हम रूपी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात गुरु रूपी देव कर्मधारय समास की पहचान है। आगे बढ़ते हैं। लोह पुरुष, यहाँ पर लोह विशेषण है, पुरुष विशेष्य है, अर्थात विशेषण और विशेष्य जिस समस्त पद में रहते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं। समास विग्रह जब हम करेंगे, लोह के समान पुरुष, लोह के समान अर्थात कठोर एवं शक्तिशाली, जो पुरुष हैं वो लोह पुरुष कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। चर्म सीमा, चर्म सीमा, यहाँ पर देखिए आप कुछ योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, चरम है जो सीमा। एक और पहचान को आप पुनः याद कर लीजिए, कर्मधारय समास में है जो अथवा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है समास विग्रह करते समय, और जब समस्त पद बनाते हैं तो इन्हीं रूपों का लोप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल मिर्च,
इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, लाल है जो मिर्च, अर्थात विशेषण अथवा विशेष्य है। लाल उसका रंग बताया है, विशेषता बताई है, मिर्च की बताई है, तो वो विशेष्य हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष एक समस्त पद है और इसमें भी विशेषण और विशेष्य है। विग्रह करते समय कृष्ण है जो पक्ष, कृष्ण का अर्थ है काला। ये आप सभी जानते हैं कि एक महीने में दो तरह के पक्ष रहते हैं, दो तरह के काल रहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधेरी रातें होती हैं, इसलिए उसे कृष्ण पक्ष कहा गया है, काली अंधेरी रातें होती हैं, और शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें होती हैं, इसलिए उसे शुक्ल पक्ष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, विग्रह करने पर हमारे सामने आया मंद है जो बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि कमजोर है। बुद्धि की विशेषता बताई है, उसके दोष के बारे में बताया है, तो ये कर्मधारय समास की पहचान है। आइए समास का अगला भेद जानते हैं, जो कि है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात जो समस्त पद है वो दोनों मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, वे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, अन्य अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति भी कार्य करते हैं। अतः जो समस्त पद में दोनों पद जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो किसी संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं। आइए बहुव्रीहि समास की कुछ और विशेषताओं के बारे में जान लें। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये किसी और अन्य संज्ञा या स्वरनाम की ओर इशारा करते हैं। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इनका जो सामान्य अर्थ प्रस्तुत होता है, हमारे सामने आता है, उसके अलावा ये किसी और अन्य प्रमुख व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषता बताते हैं या वस्तु की विशेषता बताते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी इसकी पहचान है, जब हम इन समस्त पदों का, जो कि बहुव्रीहि समास की पहचान है, उनका जब हम विग्रह करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण स्वरूप जानते हैं। पहला शब्द लेते हैं दशानन। दशानन एक समस्त पद है। दशानन का पहला जो पद है दश, मैंने दस संख्या, आनन मैंने मुख, अर्थात दस है आनन जिसके। ये आप देख रहे हैं, हमने जैसे पहचान स्वरूप बताया, ऐसे शब्दों का, ऐसे समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करेंगे, है, जिसके, जैसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो विग्रह सामने आया, दस है आनंद जिसके, अर्थात दस है जिसके मुख, वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, रावण की ओर। जैसा कि इतिहास में रामायण के समय एक कथा हमारे सामने आती है रावण की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर दस व्यक्तियों के बराबर शक्ति थी, उसके समान बुद्धि थी। आगे बढ़ते हैं। पंचानन, पंचानन का जब हम समास विग्रह करते हैं तो अर्थ सामने आता है, पांच हैं मुख जिनके, पांच हैं मुख जिनके, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इसका एक अपना अर्थ न होकर एक किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, वो है शंकर जी, अर्थात शिव। पंचानन, पंच मैंने पांच, आनन मैंने मुख, पांच हैं मुख जिनके, वो है शंकर भगवान के। तो ये बहुव्रीहि समास की पहचान हुई, ऐसे पद जो अपना अर्थ प्रस्तुत न करके किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वे बहुव्रीहि समास की पहचान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिरिधर, गिरि मैंने पर्वत, धर मैंने धारण करने वाला। विग्रह सामने आया, गिरि को धारण करने वाला, तो गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन है, अपना अर्थ प्रस्तुत न कर किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में भी आप कथा जानते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपनी छोटी उंगली पर। चतुर्भुज, चतुर्भुज मैंने चार भुजाएं हैं जिनकी। विग्रह करते समय हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, चार हैं भुजाएं जिनकी। ये भी अपना अर्थ प्रस्तुत न करके किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि है विष्णु। जब भी हम पुराणों के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कथाओं के द्वारा बताया जाता है कि विष्णु भगवान की चार भुजाएं थी, अर्थात चार भुजाओं के समान उनके अंदर शक्ति थी। आगे बढ़ते हैं। गजानन,
गजानन जैसे गज मैंने, हाथी आनन मैंने मुख, हाथी के समान मुख है जिसका। विग्रह करते समय लिखेंगे गज के समान मुख वाला। यहां पर आप देख रहे हैं विशेषता भी बताई जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता भी बताई जाती है, पर वो अपना अर्थ प्रस्तुत न करके किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। गज के समान मुख वाले कौन है? गणेश जी। गणेश जैसा कि हम तस्वीरों में और पुराणों में कथाओं में पढ़ते देखते हैं, वहां पर उनका जो मुख है, मुंह है, वो हाथी के समान दर्शाया गया है, तो एक खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो ये सभी समस्त पद बहुव्रीहि समास की पहचान है। आगे बढ़, नीलकंठ, नील मैंने नीला, कंठ मैंने गला, नीला कंठ है जिसका, वह कौन है? यहाँ पर नीला कंठ किसका है? महादेव शंकर का, क्योंकि उन्होंने एक समय जहर का प्याला पिया था जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ये भी एक खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये भी बहुव्रीहि समास की पहचान है। आगे बढ़ते हैं, महादेव, महादेव अर्थात देवताओं में महान है जो, वह कौन है? शंकर भगवान, शिव। ये भी एक खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास की पहचान हुई। आगे बढ़ते हैं, मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिनका, समास विग्रह क्या होगा? मयूर है वाहन जिसका, वह वो कौन है? सरस्वती। सरस्वती मयूर पर बैठती हैं, इसलिए वो किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ये समस्त पद, तो ये बहुव्रीहि समास की पहचान हुई। आगे है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, समास विग्रह कुछ इस तरह से करेंगे, कमल के समान नयन है जिसके, वह कौन है? विष्णु भगवान। तो विष्णु एक खास व्यक्ति हैं जिनकी ओर ये समस्त पद इशारा कर रहा है। अगर इनका विग्रह हम कुछ इस तरह से करते हैं, के समान है जिसके, तो वो बहुव्रीहि समास की पहचान होती है। आगे अगले समास भेद की ओर बढ़ते हैं, जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, ये आप बात ध्यान से याद रखें, संख्यावाचक अर्थात संख्या दर्शाई जाती है पहले पद में, और संपूर्ण पद समूह का बोध होता है, या फिर जो संपूर्ण पद है, पूरा पद है, एक समूह के बारे में बता रहा है, एक इकट्ठे एकत्रित चीज के बारे में बता रहा है। आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। दूसरा है, द्विगु समास में प्रयुक्त जो संख्या है किसी समूह का बोध कराती है, किसी संगठन का या एकत्रित चीज के बारे में बताती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। जैसा कि हमने पहले अभी जाना पीछे कि बहुव्रीहि समास में भी जो समस्त पद हैं वो भी कुछ संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो किसी और व्यक्ति की ओर भी इशारा कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण के द्वारा जाना, जो कि था दशानन, दस है आनंद जिसके, जिसका पहला जो पद था वो संख्या था, लेकिन पूरा जो अर्थ प्रस्तुत कर रहा था वो किसी अन्य के बारे में बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम इन पदों का समास विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान है। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला जो समस्त पद है, सामासिक पद है, वो है पंचवटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पद संख्या है, पंच मैंने पांच, वटी मैंने वृक्ष, पांच वृक्षों का जो समूह है उसे पंचवटी कहा जाता है। तो विग्रह करने पर हमारे सामने आता है अर्थ, पांच वृक्षों का समूह, वट वृक्षों का समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौराहा, चौराहा में भी पहला जो पद है वो संख्या है, चौ मैंने चार, राहा मैंने रास्ते, विग्रह करने पर चार रास्तों का समाहार। जब भी आप देखें कि जिस समास विग्रह में समूह अथवा समाहार का शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो है द्विगु समास की पहचान। आगे बढ़ते हैं, दुसूति, दुसूति मैंने दो अर्थात दो, सूति मैंने सूत जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, दो सूतों का समूह अर्थात दो जो सूत के धागे हैं उनको एकत्र करके वस्त्र बनाया जा रहा है, तो ये भी द्विगु समास की पहचान हुई। आगे बढ़ते हैं, पंच तत्व, पंच मैंने पांच, तत्व मैंने पदार्थ, पांच तत्वों का समूह, पांच तत्व जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, ये सृष्टि सारी पांच तत्वों
का समाहार है, इसलिए पहला पद है पंच, पांच, ये है द्विगु समास की पहचान। आगे बढ़ते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी मैंने त्री, मैंने तीन, वेणी मैंने नदियां, तीन नदियों का समाहार। कौन कौन सी नदियां हैं वे? गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर मिलती हैं, त्रिवेणी का जहां पर संयोग समाहार होता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि में सप्त पहला जो पद है वो एक संख्या है, ऋषि अर्थात सात ऋषियों का समूह। विग्रह करने पर सात ऋषियों का समूह, ये द्विगु समास की पहचान है। अष्ट सिद्धि, अष्ट मैंने आठ, सिद्धि मैंने प्राप्तियां करना, सिद्धि ज्ञान प्राप्तियां करना, तो समास विग्रह होगा आठ सिद्धियों का समाहार, जैसा कि हनुमान जी ने धारण की थी आठ प्रकार की सिद्धियां। नवरत्न, नवरत्न मैंने नव, मैंने नौ, रत्न मैंने रत्नों का समाहार समूह, नौ रत्नों का समूह, ये भी द्विगु समास की पहचान हुई। नवरात्र अर्थात नौ रात्रियों का समाहार, नौ जैसा कि एक संख्या है और रात्रियों का समाहार है, नौ रात्रियों का समाहार द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। दशक, दशक का जो समास विग्रह करेंगे उसका अर्थ है दस जो वर्ष हैं उनका समाहार, दस वर्षों के समाहार को दशक कहते हैं। आइए अगला समास भेद जानते हैं जो कि है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की ही प्रधानता होती है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, महत्व रखते हैं। इनका विग्रह करने पर इन्हें अलग करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो इन सब शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है द्वंद्व समास की पहचान। आइए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं, सदैव नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। ऐसे जो द्वंद्व समास के जो समस्त पद हैं उनका जब हम विग्रह करते हैं, विखंडित करते हैं या अलग करते हैं, तो और अथवा या तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप जान लेते हैं। पहला है हानि लाभ। समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों को देख रहे हैं आप। विग्रह करने पर या अथवा और का प्रयोग होता है। हानि लाभ का जब हम समास विग्रह करेंगे, हानि या लाभ इस तरह से लिखेंगे, तो ये है द्वंद्व समास की पहचान, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, हानि और लाभ दोनों की प्रधानता दर्शाई जा रही है और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। दूसरा है नर नारी। नर और नारी, जैसा कि दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं, और समास विग्रह करने पर और का प्रयोग हुआ है, नर और नारी। आगे बढ़ते हैं लेन देन। लेन देन भी एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, इसका विग्रह करेंगे लेना और देना। जहां पर भी ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं और योजक चिन्हों से जुड़े हुए हैं और उनका विग्रह करने पर और या शब्दों का प्रयोग होता है, वे होते हैं द्वंद्व समास की पहचान। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। भला बुरा, इसका विग्रह करेंगे तो भला या बुरा, ये भी द्वंद्व समास की पहचान हुई। हरिशंकर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु, हरि का अर्थ है विष्णु और शंकर अर्थात शिव भगवान, तो दोनों के बीच में हमने और शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भी द्वंद्व समास की पहचान हुई। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देते हैं। अक्सर छात्रों को संधि और समास में जो अंतर रहता है वो स्पष्ट नहीं होता है, इस अंतर को स्पष्टीकरण कर लेते हैं। संधि क्या होती है? संधि में निकट आए वर्णों का जो मेल होता है उससे परिवर्तन आता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है। लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, ना कि परिवर्तन होता है। दूसरी बात है, संधि का अर्थ है मेल अर्थात मिलाप होना, और उस मिलाप होने से एक रूप परिवर्तन होता है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा रूप। जब हम समास विग्रह करते समय देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदों की संख्या है, लेकिन उनका जब हम संक्षेपीकरण कर देते हैं, छोटा रूप बनाते हैं, तो एक समस्त पद हमारे सामने प्रस्तुत होता है, एक नया शब्द निर्माण होता है। संधि में जिन शब्दों का मेल होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है,
अर्थ वही रहता है। समाज शब्दों का मूल अर्थ बदलता रहता है और सुरक्षित भी रहता है, कभी कभी वैसा भी रहता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं वो बदल भी जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं संधि शब्द का, जैसे कि अर्थ नहीं बदल रहा है। विद्या जमा आल्य, विद्यालय, अर्थात विद्या का अर्थ है शिक्षा और आल्य का मतलब है घर। शिक्षा के लिए जो घर है उसको विद्यालय कहा जाता है, तो यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा है। यहाँ पर उदाहरण देखिए समास का, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई है, लेकिन एक खास व्यक्ति की ओर भी इशारा कर रहा है, तो अर्थ बदल रहा है, वो हो जाता है शिव। आइए आगे बढ़ते हैं। संधि और समास में एक और अंतर दर्शाया जाता है। संधि में शब्दों को अलग करने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जबकि समस्त पदों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ये बातें आप ध्यान में रख, आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। कर्मधारय जो समास है और बहुव्रीहि समास है, उसमें क्या अंतर है, आइए उदाहरण स्वरूप जानते हैं। कमल नयन, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो कमल के समान नयन रूप में विग्रह करेंगे, तो यह कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने पहचान बताई थी, कर्मधारय की विशेषण और विशेष्य रहते हैं। कमल हो गया विशेषण, नयन मैंने विशेष्य, कमल विशेषण है और नयन विशेष्य है। नयन मैंने आंखें, आंखों की विशेषता बताई है कि वो कमल के समान है। जहां पर विग्रह करते समय हम के समान शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे रूप में अगर विग्रह करेंगे तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। कमल के समान नयन है जिसके, अगर इस रूप में अगर हम विग्रह करेंगे तो बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कमल के समान नयन है जिसके, वो किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। वो कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की आंखों की तुलना कमल से की गई है। कुछ और ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जिस रूप में विग्रह करेंगे उन्हीं चिन्हों के आधार पर समास का भेद होगा। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे है तिरंगा, एक समस्त पद लेते हैं तिरंगा, इसका अगर हम विग्रह करते समय तीन रंगों का समाहार अगर ऐसे विग्रह करेंगे तो ये द्विगु समास की पहचान होगी, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि द्विगु समास की पहचान होती है जिसमें पहला पद संख्या रहता है। तीन रंगों वाला अगर हम तिरंगा शब्द का विग्रह कुछ इस तरह से करते हैं, तीन रंगों वाला, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? राष्ट्रीय ध्वज की ओर, हमारे भारतीय झंडे की ओर इशारा कर रहा है, तो ये होगा बहुव्रीहि समास की पहचान। आप अपना विग्रह करते समय ये ध्यान रखेंगे कि आप किस तरह से विग्रह कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार ही समास का भेद रहेगा। त्रिफला, एक अन्य उदाहरण देखते हैं। तीन फलों का समाहार, समाहार अथवा समूह एक ही बात है, तीन फलों का समूह हुआ तो पहला पद है संख्यावाचक, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। जबकि तीन है फल जिसके, जो कि एक औषधि विशेष है जिसमें हम आंवला, रीठा और शिकाकाई जैसी औषधियों को मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं, तो उसे त्रिफला कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास की पहचान होगी।